पिता माता गुरु गीता गौ गंगा तथा पुष्कर, पिता माता गुरु गीता गौ गंगा तथा पुष्कर स्मरण करके किया सत्वर सहज संधान अंतिम सर। माँ एक्सचेंज ऑफर 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए आपको मिलेंगे पुराने चूल्हों के बदले 40% तक का डिस्काउंट। श्री मार्केटिंग स्टीफन चौराया वैशाली नगर अजमेर। नाट्यवृंद संस्था और स्वामी न्यूज की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र प्रेम के काव्य स्वर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 75 मिनट तक लगातार कवियों द्वारा स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंकेट हॉल में अपनी काव्य रचना का पाठ किया गया। इस कार्यक्रम में संयोजक उमेश कुमार चौरासिया और आमंत्रित कविगण सुमन शर्मा, सादिक अली, गंगाधर शर्मा, पायल गुप्ता, डॉक्टर नीलिमा तिग्गा, डॉक्टर विनीत, अशीत जैन, गोविंद भारद्वाज, डॉक्टर के शर्मा, प्रदीप गुप्ता, भावना शर्मा, गौरव दुबे, देवदत्त शर्मा, लता शर्मा, डॉक्टर अंजू अग्रवाल, डॉक्टर ब्रजेश माथुर, डॉक्टर महिमा श्रीवास्तव सहित आदि कविगणों ने अपनी सुंदर प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। याद करेंगे उस शहीद को जो सीमा पर जाकर अपने प्राण न्योछावर कर देता है और पीछे से उसकी पत्नी है वो क्या सोचती है, कहती है कि तुम तो कह गए थे जल्द लौट कर आऊंगा, आने तो दे लल्ला को सारा गांव जिमाऊंगा, कौन दुलारेगा उसको गोदी में कौन झुलाएगा, चले गए हंसके तुम तो माँ का कर्ज चुकाने को, अब मैं कैसे जी पाऊंगी माँ का फर्ज निभाने को। अश्रु अंतस में छुपा हंसकर विदा करती निज प्राण, सर्वस्व राष्ट्र को अर्पण करती हे वीर भार्या तुझे प्रणाम, हे वीर भार्या तुझे प्रणाम। और एक और दृश्य देखिए कि जब एक पिता उस शहीद के शव को देखता है तो उसकी चिंता में बात करता है तो क्या दृश्य आता है, कहते हैं कि आतंकी से मुठभेड़ का फरमान सामने आया था, बदला लेकर ही लौटूंगा पिता को ये बतलाया था, वीरों की शुभ घड़ी यही है घर की चिंता मत करना, सीना तान के आगे बढ़ना आतंकियों को रच करना, मत घबराना जीत के आना यही वचन अपनाने को, भेजा है तुमको हमने भारत की आन बचाने को। जिनकी प्रेरणा ऐसे पिता जिनकी प्रेरणा से कर देते वीर सपूत अपना बलिदान, वृद्ध पिता के देश प्रेम को करता मैं बारंबार प्रणाम। कहा पिंजरा फूटा हो तो मिले दो सिंह पिंजरे में हुई संकेत में बातें, मिले दो सिंह पिंजरे में हुई संकेत में बातें, करो अब अंत पापी का करो निष्फल असुर गाते, बुलाया था नगर भर को सजाया मंच गोरी ने, किया ना रंच भरमी शक असुर सरपंच गोरी ने, बड़ा मैदान था जिसमें खड़ा चौहान था बंदी, व्यवस्था का तमाशा था प्रकट था सोच थी गंदी, सजग पहरी लगाए थे सभा के सब निकासों पर, सजग पहरी लगाए थे सभा के सब निकासों पर, सभी के मन प्रफुल्लित थे गमकते ढूल ढोल ताशों पर, बिना आंखों चलाएगा भला यह बाण को कैसे, और तमाशा था लगा वही हुआ लंका मिथा जैसे, खिंची डोरी धनुष की थी पिथोरा के श्रवण पुट तक, खिंची डोरी धनुष की थी पिथोरा के श्रवण पुट तक, हृदय में थी महामाया झुका उनके लिए मस्तक, फड़कती थी भुजा दोनों नयन के रंध्र रक्तिम थे, क्योंकि आंख फोड़ दी थी उनके गड्ढे थे खाली, फड़कती थी भुजा दोनों नयन के रंध्र रक्तिम थे, समाये एक तन मानो स्वयं ही भीम अर्जुन थे, गुरु श्री राम थे कहते कि पृथ्वीराज ये सच है, गुरु श्री राम थे कहते कि पृथ्वीराज ये सच है, तुम्हारे रूप में आया स्वयं अवधेश दशरथ है, उधर घंटा बजा ऊपर इधर बोले थे बदाई, कहीं सब छंद में बातें कहां बैठा है अन्याय, हवा प्रतिकूल थी बहती पवन विक्षोभ था बढ़ता, हवा प्रतिकूल थी बहती पवन विक्षोभ था बढ़ता, और सभा के रक्त का पारा कभी गिरता कभी चढ़ता, कसी मुट्ठी धनुष पर थी मगर संधान बाकी था, तपस्या में तपस्वी की अभी कुछ ध्यान बाकी था। पिता माता गुरु गीता गौ गंगा तथा पुष्कर, पिता माता गुरु गीता गौ गंगा तथा पुष्कर स्मरण करके किया सत्वर सहज संधान अंतिम सर, और चला सर लक्ष्य पर अपने भुवन था देखता सारा, पवन ने थाम कर उसको कहा सर से सुनो प्यारा,
अतुल अवसर मिला तुमको दिखा दो तीर फन अपना, मिटा गोरी धनुष को तुम करो सच हिंद का सपना, तो सनन सन तीर जा पहुंचा सभी अवरोध थे टूटे, और तड़क बख्तर गए सारे पनारे रक्त के फूटे, पड़ा गोरी बिना पगड़ी धरा पर धूल से धूसर, थमे थे ढोल तासे सब असुर था जा चुका ऊपर। मेरी कविता का शीर्षक है क्या होती देशभक्ति। एक दिन अचानक नींद खुली तो यह विचार मन के अंधेरे कोने में भोर के सूरज की भांति उग आया। क्या होती देशभक्ति। समाचार पत्र उठाया, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें छपी हुई थी, खिड़की से छाका, देशभक्ति के नारे लगाते कुछ युवक गुजर रहे थे। रेडियो पर देशभक्ति गान के नाम पर कुछ बेसुरे वाद्य बज रहे थे। सुर चकराने लगा मन घबराने लगा। खिड़की से झांका तो एक बच्चा सड़क पर पड़ा केले का छिलका उठाकर कचरे के पात्र में फेंक रहा था। पड़ोसी युवक घड़ी देखता हुआ कारपूलिंग के सह यात्रियों को समय पर ऑफिस चलने को कह रहा था। काम वाली बाई सफाई में पाई। कोई भी कार्यक्रम बगैर रचना और बगैर किसी व्यवस्था और बगैर किसी गीतकार के बगैर कोई कार्यगोष्ठी नहीं। जब पूरा देश 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है, वहीं देश के प्रति मन में एक ध्वनि आए कि क्यों ना हम भी 75 मिनट का एक काव्य गोष्ठी कार्यक्रम करें, ऐसा मन में ख्याल आया उमेश जी के लिए। पहले तो इसके लिए मैं उमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसके मन में एक बीज की तरह से ही बात उनके मन में आई। नाट्यवंद संस्था निश्चित रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है, परंतु पिछले दिनों करीबन जो मंच पे जितने भी कवि बैठे हैं उन कवियों में से अधिकतर कवि उस राम की महिमा के लिए जब एक आह्वान हुआ तो सभी लोग उस दिन जुड़े। उसके बाद में हमने काव्य सरिता, कविता सरिता के नाम से एक कार्यक्रम, काव्य सरिता के नाम से एक कार्यक्रम किया, तो अधिकतर कवि उन सब चीज़ों के अंदर जुड़कर इस कार्यक्रम को लोगों को अपनी शब्दों से अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर। मैं शब्दकोश का धनी तो नहीं हूं, परंतु मैं कुछ भाव का व्यक्ति हूं। कोई बात ऐसी आती है तो निश्चित रूप से मेरे मन में ऐसा होता है कि कुछ कर सकते हैं तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने यदि जन्म दिया है तो हम जन्म को ऐसे व्यर्थ तो नहीं जाने देंगे। आपको माँ सरस्वती ने शब्दकोश दिए, शब्दकोश के साथ में उसको लेखनी को शब्दों में पिरोने का, मोती के माफिक एक माला बनाने का आपको अवसर दिया। निश्चित रूप से आपने उसमें बेहतरी से उन सब चीजों को कोशिश करी। जब शब्दकोश को मोती के रूप में बना लेना बड़ा काम है निश्चित रूप से, परंतु कई बार क्या होता है कि कुछ हम बनाते हैं
यदि उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है, उसको कोई छापने वाला नहीं होता है, तो मन में कई सारी व्यथाएं, कई सारे मन में प्रश्न अपने आप जागृत हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपने इस पूरी मोती की एक एक माला को जोड़कर पूरा जैसे बताया वैसे की 26 रचनाएं रही इसके अंदर, और आप सभी ने मिलकर इस पूरी माला को बना दिया। 75 मिनट का ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, निश्चित रूप से तो 75 मिनट से ऊपर, मैं जो बात कर रहा हूँ 75 मिनट से ऊपर है, क्योंकि मेरे को तो बोला था मैं धन्यवाद देना था, धन्यवाद के लिए आया था, परंतु मैं अपने आप को रोक नहीं। आपने जो रचनाएं देश के प्रति पढ़ी, इसमें यह नहीं कह सकते कि किसी रचनाकार ने अपनी बात को बहुत हल्के में लिया। निश्चित रूप से हम एक छोटे शहर में रहते हैं, तो छोटे शहर में जब बड़ी मंचों के ऊपर जाके ये कविताएं पढ़ी जाए, तो निश्चित रूप से उन सब चीजों के लिए बड़ा लोगों के अंदर उत्साह भी रहेगा और लोगों के अंदर जानकारी भी पहुंचती है। परंतु मंच धीरे धीरे एक एक करके, एक एक सीढ़ी करके ऊपर बढ़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल सही कहती है, मैं स्वामी राधाराम जी का शिष्य हूँ, स्वामी जी हमेशा कहते थे, जब मैंने यहाँ पे लिफ्ट लगाई आज से 22 साल पहले, तो स्वामी जी ने कहा था कि चढ़ना सीढ़ी से, लिफ्ट से मत चढ़ना। उसका कारण क्या था कि जीवन में यदि चलना है तो एक एक सीढ़ी करके चढ़ना। यदि आप सीधे ऊपर मंजिल पे पहुंच गए और सीधा लिफ्ट से ऊपर पहुंच गए, तो आपको उस सीढ़ियों का अंदाजा नहीं होगा, जितनी बड़ी बिल्डिंग बनी उसका अंदाजा नहीं होगा। तो कभी भी जीवन में चढ़ो, हमने आवश्यकता है इसलिए हम लिफ्ट का उपयोग करते हैं, परंतु जिंदगी की सीढ़ी यदि हम एक एक कदम रखकर ऊपर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस जीवन को साकार करने की कोशिश करेंगे। और देश प्रेम के लिए जो आपने बातें कही हैं, क्योंकि आज़ादी तो मेरे ख्याल से देवदत्त जी ने यदि देखी हो तो, देवदत्त जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 की हो क्या? नहीं, 1950 में जन्म हुआ। अरे 50 की नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सच्ची, क्योंकि क्या है कि वो हादसे के भी कवि है, तो उन्होंने कहा मैं 50 का हूँ, सही बोल रहे हैं 50 का हूँ, क्योंकि 50 का जन्म है आपका। आज़ादी हमने से किसी ने भी होते हुए नहीं देखी, निश्चित रूप से आज़ादी किस महीने में आजादी मिली उसका दर्द शायद उस व्यक्ति को मालूम है जिसने अपने बच्चों को खोया, निश्चित रूप से उसको जिसने आजादी के मन में संकल्प तो लिया परंतु आजाद नहीं करा पाया, तो वो मन में दर्द था। और हम तो उसमें ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं, जो सिंधी समाज के जो लोग हैं, पंजाबी समाज के लोग हैं, जिन्हें अपनी जमीन भी छोड़ दी, मतलब हमने आजादी तो पाई परंतु कैसी आजादी जिसमें मातृभूमि हमारे पूर्वजों ने छोड़ दी, और हम आए आजाद भारत में क्योंकि हमको हिंदुत्व की रक्षा करनी थी, हमको अपने, क्योंकि हम रह सकते थे, रहने जमीन के दो टुकड़े हुए थे, जमीन तो वहीं की वहीं थी, परंतु हमको वहां पर किसी ने जाति परिवर्तन करना पड़ता, क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं, तो हमको सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकते थे, तो हमारे पूर्वज उन सब चीजों के ऊपर करते हैं, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखने वाली बात है। ये खैर अपनी बात है, परंतु आजादी के इस उत्सव में, क्योंकि मेरे को भाषण देने का मेरे मन में नहीं था, परंतु एक दर्द आपकी कविताओं में से निकल के आया, मैंने कोई यहाँ पे कोई योजना बना के कोई लिख के नहीं लाया, कुछ भी नहीं, परंतु आपने जो बात कही है उनमें से कहीं ना कहीं बात आती है, क्योंकि शब्दकोश में आप लोगों ने बहुत सारे शब्द हैं, मैं तो शब्द वट और देता हूँ, चार शब्द आपके चोरी कर देता हूँ, चार शब्द आपके चोरी कर देता हूँ, दो चार शब्द इधर से दे देता हूँ, तो कुछ शब्दों से, क्योंकि मेरे को मालूम है आपसे 25 साल पहले जब मैंने स्वामी कॉम्प्लेक्स बनाया था मेरे को बोलना नहीं आता, ये तो चैनल के बाद धीरे धीरे लोगों के साथ संपर्क बढ़ते हुए, तो वैसा बड़े बड़े भैया के बड़े मित्र हैं और आपका इतना स्नेह और आपका प्यार और सबका हमेशा रहा है, तो निश्चित रूप से ये समय के हिसाब से, परंतु आज इस नाट्यवंत को धन्यवाद है कि उन्होंने आज ये पूरा मंच सजो कर इन सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। मेरे पास तो संसाधन है, उस संसाधन का उपयोग करने जैसा हो सकता है मैं उपयोग करता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी चीज़ का अहंकार नहीं है, क्यों स्वामी जी ने कहा था कि अहंकार छोड़ दे, मेरे पैसे से सब निकला दिया स्वामी जी ने, जेब में करंसी नहीं रखता हूँ, 2006 से लेके मेरी जेब में कोई करंसी नहीं, परमात्मा के पास भी जाता हूँ तो ये कहता हूँ परमात्मा ये मेरे मालिक, तेरे को मालूम है मेरी जेब में पैसे नहीं है और मेरे को पैसे चाहिए भी नहीं, मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ, स्वस्थ रख
खुश रख, बस यही है। और मेरे अलावा मेरे दोस्तों को खुश रख, मेरे परिवार को खुश रख, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसको खुश, मेरे प्रांत को, मेरे देश को खुश रख। मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शानदार तरीके से कार्यक्रम का आयोजन। शुद्ध पानी के लिए कई वर्षों से गारंटी का साथी, 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग दे रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम पर 40% तक का डिस्काउंट। इन शानदार ऑफर्स का जल्द फायदा उठाने के लिए संपर्क करें श्री मार्केटिंग स्टीफन चौराहा वैशाली नगर अजमेर 9829072724। बेल एंड पॉपअप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन, दिनांक 1-2 अक्टूबर 2022, स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर, समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230, 7728019100, 9599038637। 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग ला रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए बेमिसाल डील, जहां आपको मिलेंगे एक चिमनी के साथ 5 फ्री ऑफर, जिसमें 4 बर्नर का चूल्हा, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, लाइफ टाइम वारंटी, इंस्टॉलेशन फ्री, साथ ही होम डिलीवरी जैसे शानदार ऑफर। इन ऑफर्स का जल्द फायदा उठाने के लिए संपर्क करें श्री मार्केटिंग स्टीफन चौराहा वैशाली नगर अजमेर 9829072724। त्योहारों के सीजन में 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग ला रहा है माँ एक्सचेंज ऑफर 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए। आपको मिलेंगे पुराने चूल्हों के बदले 40% तक का डिस्काउंट। इन ऑफर का भरपूर फायदा उठाने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मार्केटिंग स्टीफन चौराया वैशाली नगर अजमेर 9829072724।